हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से एमएस पेंट में 5 MCQ क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 80% लोगों ने गलत जवाब दिया और सिर्फ 20% लोगों ने ही सही जवाब दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है, वो लोग नहीं जिन्होंने कंप्यूटर अच्छे से सीखा है। और वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन जो भी कंप्यूटर उन्होंने सीखा है अच्छे से याद किया है, वो लोग मेरे सवालों का आंसर दे सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो चला गया चला गया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ नोटपैड के 5 MCQ क्वेश्चन से। और आपको लगता है कि नोटपैड में आपको सब कुछ आता है, तो मेरे 5 सवालों का जवाब दीजिए। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको आगे में फ्यूचर में फुल सपोर्ट करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको एमएस पेंट का वीडियो देखना है कि मैंने एमएस पेंट में क्या क्या पूछा था, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पर क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको आंसर देना कैसे है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर बी है और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए है, तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर ऐसे देना है, बी कॉमा ए। मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी है, तो कॉमा लगा करके आपको प्रेस करना है डी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नोटपैड में काम करके फाइल को सेव कर देते हैं, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद जब फाइल को सेव कर देते हैं तो हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, नोटपैड में कोई भी काम करने के बाद जब फाइल को सेव कर देते हैं तो नोटपैड वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ए डॉट आर टी एफ, बी डॉट डॉक्स, सी डॉट टी एस टी या फिर डी डॉट एस टी एम एल, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नोटपैड का है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नोटपैड में दो वर्ड टाइप करके एक वर्ड का साइज 20 और दूसरे का साइज 25 करना है, तो नोटपैड में ऐसा क्यों नहीं होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है, नोटपैड के अंदर दो वर्ड टाइप करने के बाद दोनों का साइज हमें अलग अलग करना हो तो नोटपैड में ऐसा क्यों नहीं होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ए, नोटपैड में साइज बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। बी, नोटपैड में दो वर्ड का साइज बड़ा होता ही नहीं है। सी, नोटपैड में सिर्फ एक वर्ड का साइज बड़ा होता है। और डी, ऊपर में से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विंडो 10 के नोटपैड में टेक्स्ट टाइप करके जूम इन करने का शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों, नोटपैड के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसे हमें जूम करके देखना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, आपको इनमें से आंसर देना है। जैसे ए, अल्ट के साथ प्लस का बटन, बी, शिफ्ट के साथ प्लस का बटन, सी, विंडो के साथ प्लस का बटन या फिर डी, कंट्रोल के साथ प्लस का बटन। क्वेश्चन नंबर 4, नोटपैड में वरेप टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है। ए, जूम इन करने के लिए, बी, मल्टीपल लाइन के लिए, सी, जूम आउट के लिए या फिर डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, नोटपैड के अंदर एक ऑप्शन है वरेप टेक्स्ट का, आपको ये बताना है वरेप टेक्स्ट का यूज नोटपैड में किस लिए करते हैं। यहाँ पे इसके बीच में आंसर दिया हुआ है, आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, नोटपैड में फॉन्ट स्टाइल का यूज करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है। ए, एडिट मेन्यू, बी, व्यू मेन्यू, सी, फॉर्मेट मेन्यू या फिर डी, फाइल मेन्यू। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है काफ़ी इजी है, अगर आपको नोटपैड आता है तो आसानी से आप इन सभी सवालों का आंसर दे सकते हैं। और आंसर देने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको वहाँ पर आंसर टाइप कर देना है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।